कल्पना श्री भाभी, तो खुदा की कसम हम लोग को ये गुमान नहीं था कि भाभी इतना जबरदस्त एंकर निकलेगी। 24 साल में इतनी बड़ी जीत, लगा कि कल ही झारखंड अलग हुआ है। हेमंत सोरेन को जेल भेज के बहुत बड़ा गलत काम किए, वो यहाँ राजनीतिक घुसपैठिए से नहीं चलेगी, ये राजनीतिक इंसानियत के नाम से। ये हेमंत सोरेन बोल दिए ना जात पर न पात पर, बटन दबा दीजिएगा तीर धनुष छाप पर। देखिए आज जो है बैठक बुलाई गई है सीएम आवास के बाहर, और सीएम आवास के बाहर जो है जिस तरह से ये हलचल बढ़ रही है और तमाम जो विधायक है वो सीएम आवास के अंदर चले गए हैं, तो वही जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। बताइए आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ फिरोज अंसारी, हिंदपड़ी हिंदुस्तान के दिल में रहते हैं। मैं जीएम भारत आपका चैनल को झारखंड मुक्ति मोर्चा के ओर से मुबारकबाद देते हैं। खेल का मैदान हो, जंग का मैदान हो, मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, हर स्पोर्ट में आप लोग को देखते हैं, तो पूरे जेएमएम के ओर से मीडिया को बधाई देना चाहते हैं। और जो जनता ने मान सम्मान इज्जत दिए, वो झारखंड को दिखला दिए कि यहाँ राजनीतिक घुसपैठिए से नहीं चलेगी, ये राजनीतिक इंसानियत के नाम से। बीजेपी तो कह रहे थे कि भाई घुसपैठियों को बाहर कर देंगे, ये हेमंत सोरेन बोल दिए ना जात पर न पात पर, बटन दबा दीजिएगा तीर धनुष छाप पर। ये धर्म के नाम से नहीं लड़ाए, ये विकास के नाम से लड़े, इंसानियत के नाम से। और झारखंड की जनता बेवकूफ़ नहीं है, वो चलाक है, बुद्धिमान है, यहाँ खनिज है, अबरक है, अपना चीज को वो नहीं देवेंगे, क्योंकि यहाँ जंगल झाड़ का लड़ाई वीर शिबू सोरेन गुरु जी, झारखंड की गांधी बापू जी लड़ाई लड़े, तो उनके बेटा का करेंगे? शेर का बब्बर का बेटा शेर ना निकलेगा। तो बताइए कि जो जीत का श्रेय है ओवरऑल किने देते हैं? देखिए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी वो सोचे कि हम झेल हेमंत सोरेन को, एक अच्छे मुख्यमंत्री को सीधा सपाट बेहतर को भेज देंगे, तो वो जेल भेज के बहुत बड़ा गलत काम किए, वो हीरो बन गए। और जो हौस में काम करने वाली कल्पना श्री भाभी, जिन्होंने अपने ससुर को सास को सेवा करती थी, जब वो आई तो खुदा की कसम हम लोग को ये गुमान नहीं था कि भाभी इतना ज़बरदस्त एंकर निकलेगी। जब गांडे विधानसभा का चुनाव लड़ी तो 2 महीना में 40 कार्यक्रम दिए, और इसी दरमियान में इन्होंने 96 कार्यक्रम दिए काबिले तारीफ, और इंडिया का नए एशिया का टॉप लीडर कल्पना भाभी बनेगी। एक उरूज आ गया, एक जोश आ गया युवा में। और मैया योजना जो दिए माननीय मुख्यमंत्री जी ऐलान किए, वो बोले सब कोई लाली पोंप दे रहे थे, आपने 10 लाख का वादा किए थे, 10 करोड़ का नौकरी देंगे, कहाँ दिए? ये तो मैया योजना दे के दिखला दिए, और खटा खट जाएगा 2500। विकास होगी, अमन चैन होगी, शांति होगी इस झारखंड की पवन धरती में। चलिए पवन धरती पर शांति होगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता है, क्या कहेंगे? जी नफरत, मोहम्मद फरीद खान हुआ, मेरा रांची अल्पसंख्यक जिला का अध्यक्ष हूँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का। नफरत की इस बाजार में मोहब्बत की जीत हुई है, ये सबसे बड़ी ताकत जो उभर के आई है। 24 साल में इतनी बड़ी जीत, लगा कि कल ही झारखंड अलग हुआ है। ये जो प्यार जनता को, मैं तमाम झारखंड की जनता को शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका प्यार जो उमड़ के आया है गठबंधन सरकार के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। ये मुँह तोड़ जवाब बीजेपी को मिला है। बीजेपी सिर्फ नफरत फैलाने का काम करती है, और मोहब्बत हम लोग बेच रहे हैं, और मोहब्बत की जीत यहाँ हुई है। देखिए बीजेपी नफरत फैला रही है, मोहब्बत का दुकान ये खोल के रखे। मैया सम्मान योजना जो है कितना कारगर साबित हुई है जीत को? मैया सम्मान योजना कारगर साबित हुई है, लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी के लोग हेमंत सोरेन को जो जेल भेजने का काम किया, वह उसका जवाब यहाँ के झारखंडी सीधे साधे भोले भाले सब यहाँ उनको वोट से जवाब दिए। और जो घुसपैठिया का जो ये लोग मुद्दा उठाया, वह भी झूठा साबित हुआ, इसलिए कि असल में जो घुसपैठिए लोग थे वो घुसपैठिए सब भाग गए। आसाम से, यूपी से, गुजरात से जितने भी घुसपैठिया आए थे सब अब भाग गए, अब यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है। चुनाव तक सिर्फ घुसपैठिया यहाँ पर थे, चुनाव तक थे, सिर्फ चुनाव तक घुसपैठिया थे, उसके बाद सब घुसपैठिया अपने अपने जगह में चले गए। फिर तो आएंगे, फिर अब वो आने का हिम्मत नहीं करेंगे। अब अगर जरा सा भी शर्म उन लोग को बाकी होगा तो झारखंड में उन लोग कदम नहीं रखेंगे। आप क्या कहेंगे?
जी मैं क्या कहूँगा, मैं तो यही कहूँगा कि भाई ये अभी जो जीत का जो हमें जश्न है वो हमें मनाना है, और अभी हमें आगे 5 सालों के लिए जो भी हमारे श्री हेमंत सोरेन जी का जो लक्ष्य है जिसको ये पूरा करना, जो भी बहुत सारे भी रुके हुए काम है उनको करना है। अभी जो हमारा 5 साल जो हमें मिला है जनता की सेवा करने के लिए, उसको हमें पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर करना है, ये मैं बोलना चाहूँगा। बीजेपी तो कह रही है कि भाई गोगो दीदी योजना, मैया सम्मान योजना की जो आप बात कह रहे हैं, गोगो दीदी योजना की बात कर रही हैं, लागू करें भैया। सबसे पहले तो आपका चैनल को मुबारकबाद देते हैं, और झारखंड प्रदेश में 81 विधानसभा में चुनाव हुआ, चुनाव में 3.5 करोड़ जनता जनार्दन ने सारा परिणाम को माननीय हेमंत सोरेन के पक्ष में कर दिया, ये किसी छिपा हुआ नहीं है। चाहे वो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का बात हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड का हो, बिजली बिल का मामला हो, सारे योजना धरातल पर उतारा, उसका फायदा हम लोग को इंडिया गठबंधन को मिला है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे झारखंड प्रदेश में चील गीत की तरह पूरे घुसपैठिए के लोग, हिमंता बिस्वा हो, चाहे शिवराज सिंह हो, मोदी हो, नड्डा हो, शाह हो, सारे लोगों ने 50 हेलीकॉप्टर लेकर पूरा झारखंड के जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया, लेकिन जनता जनार्दन ने ये माइंड मेकअप कर लिया था कि झारखंड से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ और पूर्ण बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन का सरकार बने। चलिए, ये थे यहाँ पर जो है जेएमएम के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि सीएम आवास के बाहर जो है हलचल बढ़ गई है और लगातार विधायकों का आने जाने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। तो जेएमएम के कार्यकर्ता जो है उत्साहित है, और उत्साहित होते हुए जो है कई बात जो है वो बताए हैं, और लगातार जो है भाजपा पर निशाना साधते हुए दिखे हैं। तो जीएन भारत के लिए रांची से मोहन। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।